हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है न्यू 2024 अपडेटेड टाटा पंच का क्रिएटिव प्लस वेरिएंट। फ्रेंड्स, इसकी एक्स शोरूम एंड ऑनरोड प्राइसिंग आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब से इस कार में फीचर एडिशन हुआ है, एक परफेक्ट एसयूवी बन गई है। और अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, देन आप इस वेरिएंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस वेरिएंट में सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज़रूरत के सभी फीचर्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक से बात करें तो राइनो शेप डिज़ाइन है इस कार की, प्योर एसयूवी वाली फील है। वाइड बोनट है, 1742 mm विड्थ है। एलईडी डीआरएल्स बगल में आपको इंडिकेटर, क्रोम की लाइनिंग, टाटा का लोगो, ब्लैक स्ट्रिप। नीचे की तरफ मूव करने पे आपको हेडलैम्प की हाउसिंग, जहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, साथ में ये ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर, जो कि ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है। नीचे की तरफ फॉग लैम्प, यहाँ पे 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इसको फ्रंट से एक परफेक्ट एसयूवी का फील देता है। साइड प्रोफाइल पे मूव करने पे 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 187 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 3.8 meter लेंथ एंड 2445 mm व्हील बेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, साथ में पैसिव एंट्री भी देखने को मिल जाती है डोर पे। यहाँ पे रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना मिल जा रही है। बैक पोर्शन की तरफ मूव करने पे LED टेल लाइट का सेटअप, रियर वाइपर, वाशर, डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स सेंसर इस कार में हमें देखने को मिल रहे हैं। और पीछे से भी लुक इसका ओके है। फेसलिफ्ट में इसमें नए चेंजेस होने वाले हैं, जो कि 2025 तक आने की उम्मीद है। चलिए कार के इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं। डोर के पास से स्टार्ट करें तो नीचे में आपको एम्पल स्पेसिंग मिल जाती है कार में, साथ में वाइट टोन फिनिश के साथ। डोर के पास आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, क्रोम डोर हैंडल्स और बड़ी सी ORVM देखने को मिल जाती है। साथ में अगर बात करें स्टेयरिंग की तो लेदर रैपिंग स्टेयरिंग है, टिल्ट फंक्शनिंग के साथ आती है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, 3-spoke का स्टेयरिंग है, साथ में पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जा रहा है। ऑटो वाइपर एंड ऑटो हेडलाइट दोनों की फंक्शनैलिटी है। MID डिस्प्ले भी, जरूरत के सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में आपको AC वेंट्स के अराउंड सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक AC मिलती है, फास्ट चार्जिंग, साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग दोनों देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाती है और सीट्स काफ़ी वाइड हैं कार के। यहाँ पे कप होल्डर्स की भी जगह मिल जा रही है। ऊपर की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे जो IRVM है उसको मैनुअल रखा गया है, थोड़ी बुरी बात है। ऊपर की तरफ आपको केबिन लैम्प एंड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में फ्रेंड्स सनरूफ नहीं आती है, पर अगर आपको सनरूफ लेना है तो आपको 44,000 और एडिशनल देना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल फिनिश, फिट एंड फिनिश है कार का, वो काफ़ी अच्छा है। 5-star रेटेड ग्लोबल NCAP कार है, तो सेफ्टी में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। यहाँ पे सीट्स की बात करें तो सीट्स कंफर्टेबल हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जा रही है, जो कि बोनेट विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पीछे की तरफ मूव करने पे सबसे पहला चीज़ हम नोटिस करेंगे वो रियर AC वेंट्स मिल जाता है, और वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे इसका। साथ में पीछे में पावर विंडोज़ हैं, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एडजस्टमेंट हेडरेस्ट का पीछे की तरफ मिल जाता है, साथ में रियर आर्मरेस्ट का भी एडिशन हो गया है। इसके साथ बात करें तो पीछे में रियर वाइपर डिफॉगर देखने को मिल जाती है। तो यह कंप्लीट कार का इंटीरियर। फ्रेंड्स, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।